रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे मेरे दिल में जो निमरा के खिलाफ नफरत की आग थी उसने कभी मुझे आपके करीब आने ही नहीं दिया। असल मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। I'm really sorry। आपको 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अपनी FIR वापस लेना और मुझे हर इल्जाम से बरी कर दें। अब पता चला मुझे कि आप जिब्रान के साथ मेरी शादी क्यों करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप ये बात जान चुके थे कि जिब्रान सरमद मुर्तजा खान का बेटा है। वो सरमद मुर्तजा जिसे मेरी मामा पसंद और शादी करना चाहती थी और जिसे आपने मरवा दिया था। मिर्जा साहब दरवाजा खोलें, नहीं तो मैं चाबी लाके खुद खोल लूंगी। दरवाजा खोलें मिर्जा साहब। मैं ठीक हूं बुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अकेला छोड़ दो मुझे। कैसे अकेला छोड़ दूं? दरवाजा खोलें मिर्जा साहब, दरवाजा खोल दें। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दें। क्या हुआ बुआ? पता नहीं क्या हुआ मिर्जा साहब, जब से निमरा बीबी गई है ना कमरे में बंद बैठे हुए। कहीं साहब की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही थी। कहाँ थी तुम? तुम जानती हो ना हमने डॉक्टर के पास जाना था, कितने फोन किए मैंने तुम्हें, परेशान हो गया था मैंने। इमरान कुछ कर्ज बाकी थे उनको चुकाते चुकाते रात हो गई। कौन से कर्ज? ये लो। ये क्या? खुद ही देख लो। गलती से फाड़ दिए थे ना तुमने। तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए मैंने नए बनवा लिए अर्जेंट बेसिस पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी ने बनवाए थे। देखो तुम्हारा और मेरा नाम भी बिल्कुल उसी जगह पे लिखा है, जिब्रान सरमद वल्द सरमद मुर्तजा खान निमरा एहसन वल्द एहसन मंसूर। और हाँ, हक महर का खाना मैंने खाली छोड़ दिया जब हक ज़ौजियत ही अदा हुआ, तो हक महर कैसा? बस एक कमी तुम्हारे सिग्नेचर्स की, साइन कर दो जिब्रान, मैंने तुम्हें बदला लेने का हक भी दिया और इख्तियार। क्या ही? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं और मैं क्या कर रही हूं।
ये करने से सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा जिब्रान, ना ही तुम्हारी जिंदगी के वो 23 साल वापस आ सकते, लेकिन हाँ तुम्हारा इंतकाम जरूर पूरा हो जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? मोहब्बत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत प्लान की है तुमने। व्हाट? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, तुमने सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने का ड्रामा किया है जिब्रान। ये सारा गेम मैनिपुलेट किया है तुमने। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं कौन। जब हम पहली दफा एयरपोर्ट पे मिले थे तब भी तुम्हें पता था कि मैं कौन। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही हो तुम। मुझे क्या पता था तुम किसकी बेटी हो, किसकी नवासी हो? चीखो मत, आवाज ऊंची करने से तुम्हारे दलील में वजन नहीं आ जाएगा। और मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि तुम्हें पता नहीं था। For God's sake, Nanda. For God's sake. मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है जिब्रान। हमारे यूं बार बार मिलना, तुम्हारा बार बार मेरे रास्ते में आना और फिर यूं अजनबी बन के मुझे अट्रैक्ट करना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब तुमने प्लान किया था जिब्रान। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया। एयरपोर्ट पे कॉन्वर्सेशन किसने स्टार्ट की थी मेरे साथ? तुमने। कौन चाहता था कि मैं तुम्हारे डिजाइन पे काम करूं? तुम। हाथ नहीं जोड़े थे मैंने तुम्हारे आगे कि तुम मेरे साथ काम करो। हाँ, सही कहा तुम, हाथ तो नहीं जोड़े थे तुमने मेरे। मैं ही तुमसे इंप्रेस हो गई थी और तुमने तो सिर्फ शादी करने तक की मोहब्बत की थी ना जिब्रान। अपना आप हर बार मेरे सामने खोल के यूं रखा कि मुझे जिब्रान के अलावा कुछ और नजर ही ना आए, और ऐसा ही हो। जिस मोहब्बत की वजह से तुम्हारे पापा की जान गई थी जिब्रान, उसी मोहब्बत के नाम पे तुमने मुझे ट्रैप किया। जब मेरे नाना से डायरेक्टली बदला नहीं ले सके तो तुमने मुझे रास्ता बनाया, तुमने मेरे जरिए उनसे बदला लेने की कोशिश की। वो तो बुजदिल थे जिब्रान, और तुम बुजदिल तरीन हो। उन्होंने मोहब्बत को लूटा और तुमने मोहब्बत के नाम पे लूटा। जस्ट शट अप। हाथों से बना के तूने तोड़ दिया हो जैसे। जी मिर्जा साहब, मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? जी दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप दे दें तो। दफा हो जाओ, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। सोच लें, मैं निमरा को सब कुछ बता दूँ कि आपने उसे ट्रैप करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। याद है ना वो हॉस्पिटल वाला ड्रामा, जब आपने मेरे जरिए निमरा को हॉस्पिटल बुलवाया था। जाओ, जो बताना है बता दो, अब कोई नुकसान नहीं होगा मेरा। वो जा चुकी है मुझे ये बता करके वो मुझसे कितनी नफरत करती है। मैंने सारे रिश्ते दौलत से कमाए थे, अगर खुलूस से बनाए होते तो आज सब मेरे साथ होते। Thank you.
यकीन तुमने उन्हें मेरे लिए इंसिस्ट किया होगा, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाज़ुकात हम लड़े बगैर ही जंग जीत जाते हैं। शायद मेरी बीमारी ने उन्हें मेरी खुशी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। अल्लाह का शुक्र है जिब्रान, मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उतर गया, वरना मैं हमेशा यही सोचती रहती कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी दादी के बीच में आ गई। तुम अब तो खुश हो ना? बहुत। ख्वाब हकीकत में ढलने लगे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं आता जिब्रान। ठीक कह रही हो, मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। कौन है आप? एक बिजनेस टाइकून, एक सरमायादार, एक बेटी के बाप, एक नवासी के नाना, या फिर एक कातिल? अब पता चला मुझे कि आप जिब्रान के साथ मेरी शादी क्यों करवाना नहीं चाहती। क्योंकि आप ये बात जान चुके हैं कि जिब्रान सरमद मुर्तजा खान का बेटा। दौलत आपके लिए इतनी है कि उसके लिए आपने इंसानियत को दांव पे लगा दिया। दुनिया की अदालत में तो आप बच गए, लेकिन क्या अपने जमीर की अदालत में भी आप सुखरू हैं? घिन आ रही है मुझे आपकी, घिन आ रही है मुझे आपकी। आप अपने आप को मुजरिम समझते ही थे तो माफी का दरवाजा खटखटा लिया होता मिर्जा साहब। नहीं हुआ, ये पुलिस केस है, किसी चीज को मत छूना, हम पे इल्जाम आ सकता है। इमदाद भाई ठीक है। मैं निम्रा बीबी को क्या जवाब दूंगी, मैं निम्रा बीबी को क्या जवाब दूंगी? निम्रा भी टेबल पे खाना लग गया। मुझे भूख नहीं है नजमा भी। आप भी नहीं आ रही हैं और जिब्रान बाबा भी कहीं चले गए, ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों परेशान होती हैं नजमा? बस इतना समझ लें कि रिश्ते हक से निभाए जाते, मजबूरी से नहीं। और जब इन लोगों से मेरा अपनाइयत का कोई रिश्ता ही नहीं, तो फिर एक टेबल पे बैठ के खाने से क्या फर्क पड़ता? जिंदगी भर मोहब्बत और अना में अना को चुनने वाला आज अपनी अना के हाथों कत्ल हो गया बेटा। बुआ क्या हुआ है और ये आप रो क्यों रही हैं? हेलो बुआ, बुआ बोले क्या हुआ है? तुम्हारे नाना ने खुदकुशी कर ली बेटा। जो आईना तुमने उनके हाथ में देकर गई थी वो उसमें अपनी सूरत नहीं देख पाए बेटा,
उन्होंने खुद को गोली मार ली। निमरा बीबी क्या हुआ? निमरा बीबी मिर्जा साहब को क्या हुआ? नाना अबू ने खुदकुशी कर ली है निजमा बी। क्या? नजमा किसको फोन कर रही है? जिब्रान बाबा को कर रही थी। खैरियत है? वो गया कहाँ है? बेगम साहब आपको तो पता है वो बता के तो जाते नहीं। निमरा से बहस तो नहीं हुई कोई? निमरा बीबी से कब बहस नहीं होती, जब से शादी हुई है यही हाल है। बस बस ज्यादा निमरा की हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं निमरा बीबी की हमदर्द क्यों बनूंगी जब उनकी किस्मत ही उनसे रूठी हुई। मतलब? मतलब ये कि निमरा बीबी के नाना ने खुदकुशी कर ली। क्या पागल तो नहीं हो गई नजमा? जो शख्स दूसरों को मरने पे मजबूर करे वो अपने आप को मारेगा क्या? मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, निमरा बीबी के पास रहमत बुआ का फोन आया था। मिर्जा ने खुदकुशी कर ली नजमा, मिर्जा ने खुदकुशी कर ली। आखिर 23 साल बाद उसकी गैरत जाग उठी। मैं मिठाई बिटवाऊंगी, बल्कि मिठाई की टोकरी मंगवाऊंगी। इतने दिनों बाद मेरी मुराद पूरी हुई है। कहाँ है सारे मुलाजिम? गुलाम फरीद, इलाही बख्श, कहाँ हो तुम सब? बेगम साहिबा कुछ तो ख्याल करें, मैयतों पे कोई मिठाई बांटी जाती है? जानती हूँ, लेकिन कातिल की मौत पर मिठाई बांटी जाती है। 23 साल तक इस माँ ने इस लम्हे का इंतजार किया है। मेरा बस चलता तो जनाजे पे आने वाले हर शख्स का मुंह मीठा करती, हर शख्स का। बेशक अल्लाह पे इंसाफ नहीं है, जो तलवार से फैसले करते हैं उनका मुकद्दर खून से लिखा जाता है। गलती से फाड़ दिए थे ना तुमने? तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए मैंने नए बनवा लिए। हक महर का खाना मैंने खाली छोड़ दिया जब हक ज़ौजियत ही अदा ना हो तो हक महर कैसा? साइन कर दो जिब्रान। जब मेरे नाना से डायरेक्टली बदला नहीं ले सके तो तुमने मुझे नाश्ता बनाया, तुमने मेरे जरिए उनसे बदला लेने की कोशिश की। वो तो बुजदिल थे जिब्रान, और तुम बुजदिल तरीन हो। उन्होंने मोहब्बत को लूटा और तुमने मोहब्बत के नाम पे लूटा। जश्न मोहब्बत की है मैंने तुमसे? मोहब्बत नहीं, मोहब्बत प्लान की है तुमने। What? लागी अग नयो बुझदी
I'm sorry. नाना मैंने झूठ बोला था, मैं आपसे नफरत नहीं करती। I'm sorry. निम्रा के नाना ने यह साबित कर दिया कि उन्हें अपनी नवासी से मोहब्बत थी, खुदा के लिए था थी। अब आप भी ये साबित करते हैं कि आपको अपने जबरान से मोहब्बत है। देखो क्या हो गया, सारी उम्र मैंने उनका साथ दिया और देखो जाते जाते एक लफ्ज भी नहीं बोल के गए। मत रोए बुआ, नाना अबू ने तो सारी जिंदगी वही किया है जो उन्होंने चाहा है, और गलती मेरी है। मुझे उनसे वो सब नहीं कहना चाहिए था बुआ, लेकिन मैं क्या करती, मेरे दिल पे बोझ था। तुम ना भी कहती बेटा तब भी वो जिंदा ना रहते। तुम्हारी बर्बाद होती जिंदगी का ख्याल उन्हें रोज डसता था। वो अपने किए पर बहुत पछताते थे बेटा, बहुत पछताते थे। ये नंबर किसका है, क्या आप पहचानती हैं इस नंबर को? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। मिर्जा साहब के सेलफोन पर आखिरी कॉल इसी नंबर से की गई है। अच्छा आप ये बताएं, क्या मिर्जा साहब को कोई ब्लैकमेल कर रहा था या वो किसी बात को लेकर परेशान थे? क्योंकि सिवाय इस एक नंबर के तमाम नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेफ हैं। मिर्जा साहब ने मुझसे कभी कोई इस बात का तस्करा नहीं किया। वैसे भी वो कुछ दिन ही पहले तो अस्पताल से घर वापस आए थे, बस चुप चुप रहने लगे थे। ठीक है, मैं इस नंबर को चेक कराता हूँ और जरूरत पड़ी तो दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। Thank you.
आखरा अम्मा। मोहसिन भाई सुबह ही सुबह, खैरियत तो है? बैंक नहीं गए आप? नहीं बैंक नहीं गया मैं, और खैरियत भी नहीं है। ये देखो क्या हुआ। यही अल्लाह, ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ मोहसिन बेटा? कैसे हुआ ये तो नहीं लिखा, लेकिन बस हो गया। अम्मा वो निम्रा के नाना का इंतकाल हो गया। जोहर के बाद तदफीन है उनकी। लेकिन कैसे हुआ? खुदकुशी किया अम्मा उन्होंने। बुरा हुआ बेटा, निम्रा को इत्तला है? तो अब जाकर ही पता चलेगा। हाँ जाना तो है अम्मा। जाना तो पड़ेगा बेटा। तो आप लोग तैयारी पकड़े हुए हैं? बस घर से होके आ रहा हूँ। जी आपकी ये अजीम दौलत आपको बहुत मुबारक हो। समझ लीजिएगा कि जैसे आयशा मर गई थी वैसे ही निम्रा भी मर गई है आपके। मैंने तो अपने बारे में कहा था कि निम्रा मर गई, आपने छुपती जान ले ली। हमेशा के लिए आंखें बंद करने की बजाय एक बार सच का सामना तो करते, खुद को मुजरिम समझकर माफी मांगते। ये क्या किया नाना वो? निम्रा फासला करो बेटा, एक दिन हम सबको ही जाना है। जिब्रान सर, जिब्रान सर, जो शो पीस अभी तक सिर्फ पेपर पे था आपने एक ही रात में बना दिया। हाँ वो अर्जेंट चाहिए था, क्लाइंट की कॉल आ गई थी। आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप जब भी शिकस्त खाते हैं एक मास्टरपीस बनाते हैं। सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा, क्या इस बार मोहब्बत में शिकस्त खाई? मुझे तो खुद कुछ यकीन नहीं आ रहा, तुमसे क्या कहूं? तो फिर मुझसे सुने, इंसान मोहब्बत की शादी करे लेकिन बेदिली से। नाना अपनी दिलो जान से ज्यादा अजीज नवासी की शादी में शिरकत ना करें, और दादी अपने पोते की शादी तो करवाएं लेकिन सादगी और बेदिली से। कोई भी अकलमंद इन तीनों बातों से एक चीज का अंदाजा तो लगा सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं?
कहती है मैंने मोहब्बत प्लान की, अपने पापा का बदला उसके नाना से लेने के लिए मैंने ये सारा गेम मैनिपुलेट किया, और आप क्या कहें? जब मुझे पता चला कि मोहिउद्दीन मिर्जा उसके नाना है तो ऑनेस्टली अली मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, भला अपनी मोहब्बत से कोई कैसे इंतकाम ले सकता है। दादी ने गन पॉइंट पे मुझे ये सब कुछ करने पे मजबूर कर दिया, और शादी के बाद आपने उन्हें इग्नोर किया। क्या इग्नोर करना इंतकाम की किस्म नहीं? मैं निम्रा के बारे में सोचता था तो पापा बीच में आ जाते थे, पापा का ख्याल आता तो निम्रा इग्नोर होने लगती थी। मेरा हाल तो भंवर में फंसे उस शख्स की तरह है जो जीना तो चाहता है लेकिन उसे तैरना नहीं आता। मैंने निम्रा से पूछा था, मिस निम्रा ने कहा कि जिब्रान कोई चीज नहीं है, एक मुकम्मल जीता जागता खान जो हर बार देखने पर नजर को उतना ही अच्छा लगता है जितना कि पहली बार। जब हम वेडिंग गिफ्ट खरीद रहे थे तो मैंने मिस निम्रा से पूछा कि जिब्रान सर ने आपको क्या दिया, तो उनकी आंखों में इंतजार उतर आया। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उनके साथ वाकई बहुत ज्यादती की है? कभी कभी मोहब्बत का यकीन दिलाना इतना ही जरूरी होता है जितना मोहब्बत करना। जी नजमा बीबी, आपका फोन नहीं लग रहा, बैटरी डेड होगी। ये नजमा भी आपसे बात करना चाहती। जी नजमा भी। जिब्रान बाबा, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, बस आप जल्दी से घर आ जाएं। छोटी बेगम साहबा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस एक ही जिद कर रही है, निम्रा और जिब्रान को बुलाओ। निम्रा कहाँ? निम्रा बीबी, जिब्रान बाबा, हेलो हेलो नजमा भी, हेलो नजमा भी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नजमा भी ने फोन रख लिया, मुझे तो लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं है। आप रिलैक्स रहे, इनफैक्ट मैं भी आप ही के साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं पर रहो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी मैं तुम्हें बुला लूंगा। ऑलराइट। नजमा भी, निम्रा कहाँ पर है? वो जी, निम्रा का हाल पूछने की बजाय अपनी माँ का हाल देखो, वो कब से राह देख रही तुम्हारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निम्रा कहाँ पर है बताएं मुझे। वो निम्रा बीबी तो अपने नाना के घर गई है, मिर्जा साहब ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली है। क्या? जिंदगी कितनी मुख्तसर और अनप्रडिक्टेबल है ना मामा। हाँ बेटा, फिर भी हम मोहब्बत की बजाय नफरतों को फैलाते हैं। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, मैं तो कभी आपसे नाराज थी ही नहीं, बस पीछे हट गई थी। जिंदगी में कभी कभी फासला बहुत जरूरी हो जाता। वो निम्रा तुम्हारे साथ गई थी ना, उसको क्यों नहीं लाए तुम? मामा, आपने खुद ही तो मुझे कहा था वो यहाँ पर रहते रहते उदास हो गई है, उसे उसकी मामा से मिलवा लो।
उसकी मामा के घर छोड़ के आया उसे, शाम में ले आओ। सच कह रहे हो ना तुम, ले आओगे उसको? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप परेशान ना, मैं ले आऊंगा उसे। मेरा उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। ले आऊंगा, अब सूख भी है। अच्छा है ना? अच्छा तो क्योंकि मुझे वहाँ पर 3 दिन लग जाएंगे, तो तुम कोशिश करना कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। तुम कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद। मगर मैंने तो तुम्हारे लिए बेबी शावर प्लान किया हुआ, तुम इस्लामाबाद जा रहे हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है बाबा, मैं उसे मिस नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरी नज़र में ये बहुत गैर ज़रूरी रस्म। खैर, इतनी भी गैर ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये रस्म लड़की वाले करते हैं, मैं तो सोच रही थी कि हूरिया की अम्मी ये रस्म करेंगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शादी इतनी मुश्किल से की है, तो फिर इन सब चीज़ों की गुंजाइश कहाँ निकलेगी उनके पास। For God's sakes, ma'am. ये हमारे घर का मामला है। मैं भी अपने घर की ही बात कर रही हूँ। खैर, वापसी कब है तुम्हारी? क्योंकि तुम्हारे बगैर फंक्शन का मजा नहीं आएगा। 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जब तुम वापस आओगे मैं फंक्शन जबी रखूंगी। क्या जरूरत है ऐसा करने की? ये वैसे भी एक प्योरली लड़कियों का ओकेजन है, मैं वहां आकर क्या करूंगा? तुम होगे तो देखोगे ना कि हूरिया को किस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है, मेरे सोशल सर्कल के लोग किस तरह से इसे गिफ्ट्स दे रहे हैं। आई एम सॉरी मामा, लेकिन जितना प्रोटोकॉल मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से मिल रहा है मेरे लिए उतना ही काफी है। बाकी आप इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रही हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखा तुमने कैसा मुंह पे जवाब देकर गई है मुझे? जी हाँ देखा, लेकिन सच कहूं तो इस सारी चीज के जिम्मेदार आप खुद हैं। शायद आपको जवाब ना देती, लेकिन आपने बार बार उसे तंज करके उसे मजबूर किया कि वो आपको जवाब दे। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? नहीं मामा, मैं आपको नहीं समझूंगा। पहले मैं खुद तो समझ लूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। खुदा हाफिज। जिब्रान कहाँ जा रहे हो बेटा? निम्रा के पास जा रहा हूँ, इस वक्त उसको मेरी बहुत जरूरत होगी। और यहाँ के लोग, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्या? दादी आपने मामा को देखा? सिर्फ निम्रा को याद कर रही हैं वो। दादी अब तो आपका इंतकाम पूरा हो गया ना? क्या सिर्फ मेरा इंतकाम? नहीं, मेरा भी था, लेकिन सिर्फ मोहियुद्दीन मिर्जा से, उनकी नवासी से नहीं। आपने निम्रा से बदला लिया, उससे इंतकाम लिया। मिर्जा साहब की तरह आपने भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज समझ लिया। बस करते दादी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सिवाय पछतावे के हाथ कुछ ना लगे, इस खेल को खत्म करते प्लीज। इंसान जब मौत और जिंदगी को अपने हाथ में ले ले और माफी के बजाय इंतकाम की आग में सुलगता रहे, खुदा की हिकमत और उसकी मोहब्बत को भूल कर अना के जाल में फंस जाए, तो एक एक करके सारे रिश्ते खो जाते हैं। और मैं निम्रा को नहीं खोना चाहता था। दी निम्रा के नाना ने यह साबित कर दिया कि उन्हें अपनी नवासी से मोहब्बत थी, खुदा के लिए था थी। अब आप भी ये साबित करते हैं कि आपको अपने जबरान से मोहब्बत है और इंतकाम की हर खलिश अपने दिल से निकालते प्लीज।
कभी कभी कोई मजबूरी आपके रास्ते की रुकावट बन जाती है, आपको मंजिल से हटा देती है। मोहब्बत तो वो जज्बा है जिब्रान, जिसका रास्ता कोई मजबूरी नहीं रोक सकती। नहीं खानी है मैंने कोई भी दवा। तुम भी निम्रा को कहीं अकेला छोड़ आए हो। निम्रा बेटा, फरीदा तुम्हें बहुत याद कर रही है। मामा से कह दें इस घर में शर्मा तो फरीदा कभी एक साथ नहीं रह सकते। निम्रा को किसी ने अगवा कर लिया। क्या? मैंने आपको कहा था ना कि इंतकाम की खलीज अपने दिल से निकाल दे। खामोश, एक लफ्ज नहीं बोलना। जाने